तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आज मैं बना रही हूँ सुबह सुबह। तो आज नया साल है, आप सभी को मेरी तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। तो बच्चों के डिमांड पे मैं बना रही हूँ आज ढोकला, सूजी का ढोकला बना रही हूँ। तो देखिए इसमें मैं क्या क्या डाल रही हूँ। तो पहले ही मैं सूजी में रिफाइंड तेल डाल दी थी, करीब 2 बड़ा चम्मच। और अब मैं इसमें डाल ली हूँ 1 चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच नमक और 2 चम्मच चीनी। अब इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। तो इसको मिक्स करने के बाद इसमें और भी जाएगा, तो थोड़ा सा मैं 1/2 चम्मच हल्दी डालूँगी। 1/2 चम्मच से थोड़ा कम ही है, बस कलर आने के लिए। और खाने वाला सोडा डाल सकते हैं, और इनो तो डाल जाएगा ही इसमें। तो मैं 1/2 चम्मच से चुटकी भर मैं सोडा भी डाली थी, तो थोड़ा सा इसमें मैं सोडा डाल के उसके बाद इनो मैं लास्ट में डालूँगी। तो ये इनो का एक पैकेट इसमें जाएगा। तो ये देखिए खाने वाला सोडा है, इसको मैं थोड़ा सा डालूँगी इसी चम्मच से। मैं देखिए इतना डाल रही हूँ। तो ये सब डाल के, और हाँ लास्ट में दही जाएगा। तो दही था नहीं मेरा, मैं छोटे बेटे से मंगाई थी तो लेके आ जाए। उसके बाद मैं इसमें दही डाल के इसका पेस्ट बना के रख लूँगी। तो देखिए लेके आ गया था, तो मैं दही भी डाली हूँ। अब इन सबको मिक्स करके अच्छी तरह से पहले पेस्ट बना लेंगे, और फिर इसको 1/2 घंटा के लिए ढक के छोड़ देंगे। तो पहले थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं अच्छी तरह से इसका बैटर तैयार कर ले रही हूँ। तो ये देखिए, और हल्का सा मुझे दही और डालना था, क्योंकि थोड़ा सा खट्टापन लगेगा तभी अच्छा लगेगा। ऐसे फ्रेश दही था, तुरंत सुबह सुबह तो एकदम फ्रेश दही मिलता है होटल से, तो ज़्यादा खट्टा नहीं रहता, इसलिए मैं एक्स्ट्रा 1 चम्मच और डाली हूँ। तो इन सबको मिक्स करके अब इसको अच्छी तरह से ढक के रख देंगे कम से कम 1/2 घंटा के लिए। और अब मैं इधर तैयारी कर रही हूँ, पूड़ी बनाऊँगी। और ये आलू, गाजर, मटर और पनीर था, तो पनीर ज़्यादा था नहीं इसलिए इसमें आलू मिक्स की हूँ। तो ये सब मिक्स करके मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, और कसूरी मेथी वाला पूड़ी। तो ये अब मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो तेल मेरा गर्म हो चुका था, तेल में मैं 5 फ़ोरन और हींग डाली हूँ। उसके बाद मैं प्याज डाल के इसको लाल करके भून लूँगी। तो एक हाथ में कैमरा पकड़ के इधर उधर काम करना भी पड़ता है, और मेरा कैमरा का क्वालिटी थोड़ा अच्छा है नहीं इसलिए मैं ट्राइपॉड में लगा के नहीं बना रही हूँ, हाथ से ही पकड़ के बना रही हूँ। तो ये देखिए प्याज जब अच्छी तरह से सुनहरे रंग का हो जाएगा, उसके बाद इसमें मैं सारे जो सब्ज़ी में बॉईल करके रखी हूँ, गाजर और मटर, वो सब इसमें डाल दूँगी। क्योंकि आलू मेरा बॉयल आलू है तो उसमें तो ज़्यादा सीजने में टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं सबको एक ही बार डाल के मसाले डाल के भूनूंगी। तो पहले इसको लाल होने देते हैं। तो जब ये अच्छी तरह से कलर आ जाएगा इसमें, तो देखिए लगभग आ ही रहा है, थोड़ा सा और होगा। तो अब देखिए मैं इसमें सब्ज़ी सारे डाल दे रही हूँ। तो इसको मैं बॉईल कर ली थी ताकि मटर इसमें भूनते भूनते सब्ज़ी पक जाए। और अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। तो मसाले मैं मिक्सी में पीस के रखी थी वही वाला डाल रही हूँ, सूखा पाउडर मसाला नहीं जाएगा, जाएगा सिर्फ पाव भाजी मसाला थोड़ा सा रहता है वो जाएगा, क्योंकि उससे थोड़ा सा फ्लेवर आएगा सब्ज़ी का। तो इन सबको मैं अच्छी तरह से पहले भून लेती हूँ। और ये देखिए मैं बैटर उसमें डाल दी थी, तो वो मैं आपको नहीं सूट कर पाई। तो बैटर में लास्ट में आपको बस इनो डालना था, इनो डाल के पूरा अच्छी तरह से हल्का सा पानी और डाल के उसका घोल मेरा गाढ़ा था थोड़ा सा पतला करके। उसके बाद कढ़ाई में मैं पानी इसमें रख देती हूँ। पानी के बाद ये स्टैंड देखिए आप देख रहे होंगे, स्टैंड लगा के कोई भी थाली में आप
थाली में हल्का सा तेल लगा लीजिए नीचे, उसके बाद वो बैटर इसमें डाल के, और उसमें बस इसका बाफ से ही बहुत सुंदर बन जाता है। कढ़ाई में इसको ऊपर से ढक के रखना है। तो मेरा ढोकला तो तैयार था, बस इसको ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसमें तड़का लगा दूँगी। और देखिए कितना परफेक्ट बना था। तो तब तक मैं इधर अपना सब्ज़ी भी बना रही हूँ, और सुबह सुबह केले दोनों तरफ करने में एकदम हड़बड़ी हो जाता है, कभी उधर देखिए कभी इधर देखिए। तो ये मेरा सब्ज़ी देखिए लगभग मसाला भून ही गया था, तो आलू मैं ऊपर से डाल रही हूँ, और उसके बाद हल्का सा और इसमें सारे मसाले मिक्स करके मैं थोड़ी देर और पका लूँगी, फिर पानी डाल के लास्ट में मैं पनीर डालूँगी, क्योंकि पनीर का पीस मैं छोटा छोटा कर दी हूँ, ज़्यादा नहीं था इसलिए। तो ये मैं आपको दिखा रही थी वो मेरा सब्ज़ी मसाला था, सॉरी शाही पनीर मसाला था, पाव भाजी मसाला नहीं, शाही पनीर मसाला था। तो वो मैं एक चम्मच डाली हूँ इसमें, बड़ा एक चम्मच, बाकी और कोई मसाले नहीं, वो पिसा हुआ गोलकी जीरा, लहसुन का जो पेस्ट था वो है, और पनीर मसाला है, बाकी और कोई मसाले मैंने डाली हूँ। तो ये पनीर मैं ऊपर से डाल दूँगी, पहले ये अच्छी तरह से भून जाए। देखिए इसमें पानी डाल देंगे, हल्का सा और होने देते हैं, मसाले से अच्छा खुशबू आने लगे, उसके बाद फिर मैं पानी डालूँगी इसमें। तो देखिए ऐसे भी कितना अच्छा लग रहा, लेकिन ग्रेवी के साथ खान पूड़ी के साथ खाना है बच्चे लोग को, तो ग्रेवी भी चाहिए इसमें, इसलिए मैं पानी डालूँगी। और इस तरह से आप बच्चे को लंच में भी दे सकते हैं सूखा सब्ज़ी बना के। तो तेज़पत्ता मैं भूल गई थी, वही ऊपर से डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी, पानी डालने के बाद ऊपर से जाएगा पनीर। पनीर ज़्यादा नहीं सीजने में टाइम लेगा, क्योंकि वो बस मसाले में घुल मिल जाए, तो ऊपर से डाल के इसको फिर ढक दूँगी। तो जितना मुझे ग्रेवी रखना है उतना मैं पानी डाल ले रही हूँ, और ये सारे पनीर के पीसेस इसमें डाल दी हूँ मैं। तो मेरा सब्ज़ी ये देखिए हो गया कंप्लीट, बस इसमें थोड़ा समय इसका ग्रेवी सूखने के लिए इस पर छोड़ दूँगी, बस ज़्यादा नहीं, 5 मिनट, 5 से 10 मिनट धीमी आंच करके इसको ढक दूँगी, ताकि सारा पनीर भी इसमें मसाले में अब्जॉर्ब हो जाए। तो सॉरी फ्रेंड, मैं नमक नहीं डाली थी, नमक मैं अभी डाल रही हूँ। तो लेकिन आप भूनते टाइम ही डाल दीजिए, मैं भूल गई थी, देख रहे हैं आप, दोनों तरफ मुझे करना पड़ रहा, इसी में चक्कर में मैं भूल गई नमक डालना। तो ऊपर से मैं नमक डाली हूँ, फिर भी मेरा नमक पूरा अच्छी तरह से मिक्स हो गया था, और मुझे थोड़ा सा पाव पनीर मसाला ऊपर से और डालना पड़ा, ताकि ग्रेवी और गाढ़ा हो जाए। तो ये देखिए मेरा पनीर, सॉरी मेरा ये ढोकला तैयार है। अब इसको मैं पलट देती हूँ और दिखाती हूँ कितना अच्छा परफेक्ट बना है ये। तो मैं दिखा रही हूँ कि देखिए अंदर तक पूरी अच्छी तरह से पक चुका है, बस इसमें तड़का जाएगा। तो तड़के में कड़ी पत्ता, सरसों, हरा मिर्च, ये सब का तड़का लगा के फिर इसके ऊपर से डालना रहता है। तो वो तड़का का मैं वीडियो नहीं बना पाई, इसलिए मैं लास्ट में दिखाऊंगी कि कैसे बनाई थी, तड़का डाली थी तो कैसा लग रहा था। तो देखिए मेरा बन गया ढोकला, अब इसको मैं पीस में कट कर दूंगी, और इतना अच्छा खाने में लग रहा था। बच्चे को मेरे घर में सारे बच्चे को सूजी का ढोकला ही पसंद है, ऐसे तो आप चावल का ही बना सकते हैं, अरवा चावल का, लेकिन मैं सूजी का ही बनाती हूँ। चटपट बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता। तो एक स्लाइस मैं आपको दिखा रही हूँ निकाल के, ये देखिए कितना अच्छा बना है।
तो ढोकला मेरा तैयार हो गया, बस इसमें तड़का चाहिए। तो तड़के में आप और उसका मैं कभी और दिखाऊंगी आपको कि तड़का मैं कैसे लगाती हूँ, क्योंकि इसमें मैं सूट करना भूल गई थी। तो इधर देखिए मेरा सब्ज़ी भी तैयार है, और हड़बड़ी में भूल ही जाते हैं, क्योंकि एक चीज़ अगर एक दिन में बनाए तो वो आराम से बनाते हैं, दोनों साइड बनाना रहता है। अभी हमको पूड़ी भी तलना था, तो आटा तो लगा के रख दी थी। तो ये मेरा सब्ज़ी हो गया रेडी, इसके साथ मैं पूड़ी बनाऊंगी। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से मैं तड़का लगाई थी, और मेरा नहा के आते आते सारा बच्चे लोग आधा फिनिश भी कर चुके थे, तो बच्चे को बहुत पसंद है। तो अब मैं देखिए पूजा करके आ गई थी, तो केक मैं ही कट कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे लोग तो अपना अपना सब खा चुके थे, लंच वगैरह कर लिए थे। तो सोची चलिए मैं नहा के अपना मेरा हो गया तो मैं ही कट कर देती हूँ। तो ये देखिए मेरा सूट से मैच हो रहा है केक का कलर, तो चलिए कट कर लेते हैं। तो बस मैं और बेटी थे, बेटा लोग उस टाइम नहीं था, बाहर में खेल रहा था। तो ये लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए केक नए साल का।